को स्नान करने से रोका गया और उन्हें शूद्र चमार बताया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू चमार है, गंगा पे क्यों नहाने के लिए आया है, कैसे बताया वाणी के द्वारा। ध्यान से सुनोगे तो मजा होगा, बातें करोगे तो एक जनी चार जनी को लगा ले, देखवा लगा रही, तुझे क्या हो रहा है वो, या तीन जनियों को साथ लगा रही बात करने में। ऐसा कहा, जिस समाज की महिला जाग जाती है, जिस समाज की लड़कियां जाग जाती हैं, उसे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। हमारे देश में एक बढ़िया है जैन, जिन्हें जैनी कहें, जैनी की बुढ़ी से बुढ़ी औरत भी ग्रेजुएट मिलेगी, MA BA, बुढ़ी से बुढ़ी भी, उनमें 1% भी अनपढ़ नहीं मिलता, 1%। और हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दे दिया, फिर भी हमारी महिला, पढ़ी लिखी महिला, और पढ़ा लिखा उसका पति अगर अफसर भी बन गया, वह नुकैक ना सपने में सांप दिखा, गुग्घे पर चढ़ जाना, बीजना चढ़ाण, वह उसे गुग्घे पर लेकर जागी। ऐसी अंधकार में डूबी हुई है हमारी महिला, तो हमें अपनी माताओं बहनों को जगाना है। ध्यान से सुनो कैसे कैसे जुलम हुए हमारे साथ, हमारी चाहे लड़की हुई, हमारे चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, हमारे ज्ञानी ध्यानी नेता हुए, संत महापुरुष हुए, सबके साथ यहाँ भेदभाव हुआ, कैसे बताया वाणी के द्वारा। चलो जी मास्टर जी, हे जी गुरु को जात चमार बताया, गुरु को जात चमार बताया, हे जी गुरु को जात चमार बताया, ब्राह्मण बनिए लड़ने लगे थे ऊपर चढ़ क्यों नाया, गुरु को जात चमार बताया, एक गुरु को जात चमार बताया, ब्राह्मण बनिए लड़ने लगे थे ऊपर चढ़ क्यों नाया, एक गुरु को जात चमार बताया। पकड़ रविदास गुरु ऊपर से तड़े बिठाया, मारा नेम धर्म सब खो यारे, तू किसने भगत बनाया, हाथ पकड़ रविदास गुरु ऊपर से तड़े बिठाया, मारा नेम धर्म सब खो यारे, तू किसने भगत बनाया, तुम जूती गांठो जाम हाथ में ठाया, हे जी गुरु को जात चमार बताया, हे जी गुरु को जात चमार बताया, ब्राह्मण बनिए लड़न लगे थे ऊपर चढ़ क्यों नाया, हे जी गुरु
तने मारा नेम धर्म सब खोया, किसने भगत बनाया। रात दिना तुम जुत्ती गंठो, चाम हाथ में ठाया, हे जी गुरु को जात चमार बताया। तो रविदास जी क्या करते हैं, अपनी छाती पर से कंधे पर से पर्दा हटा देते हैं रंपी से। कैसे बताया, पर्दा उठा दिया कंधे का, चार जनेऊ सोरण के भुजा पकड़ कर जब दिखलाए, होश उड़े थे ब्राह्मण के। पर्दा उठा दिया कंधे का, चार जनेऊ सोरण के भुजा पकड़ कर जब दिखलाए, होश उड़े थे ब्राह्मण के। चार युगों के चार जनेऊ एक एक पहरता में आया, जी गुरु को जात चमार बताया, जी गुरु को जात चमार बताया। बड़ बड़िए लड़ने लगे थे, ऊपर चढ़ तू ना आया, जी गुरु को जात चमार बताया। जी ने रामपी से अपना तीन चीर दिया और चार जनेऊ सोने के, भाई चार युगों के अलग अलग पहनताया मैं। और गुरु रविदास जी ब्राह्मण को कहते हैं, पंडित गंगाराम को, कि तू तो धर्म का ठेकेदार है, सारे ब्राह्मणों का सरदार है। छाण में हजार देहली ब्राह्मणों की थी काशी के उस समय काशी के अंदर, कि छाण में हजार पंडितों का यहाँ तो नेतृत्व कर रहा है और मैं अपने समाज का अकेला आदमी हूँ, मेरा समाज भी मेरे साथ नहीं है, मुझे भी तू सोने का जनेऊ दिखा दे। ये जो पहन रखा है रुई का, इसे उतार कर रख। कैसे कहते हैं रविदास जी, कैसे बोला, अपना अंग चीर दिखला दे मुझको, पता जनेऊ का नहीं तार के इसे भी धर दे, ये तो बना है रुई का। चीर दिखला दे मुझको, पता जनेऊ का नहीं तार के इसे बिधर दे, ये तो बना है रुई का। बिन देखे अब नाचो तुमना किस तरिया रे मुँह भाया, गुरु को जात चमार बताया, जी गुरु को जात चमार बताया। बड़े लड़ने लगे थे, ऊपर चढ़ क्यों ना आया, जी गुरु को जात चमार बताया, जी गुरु को जात चमार बताया। इतने बचन सुने ब्राह्मण ने, जिया न धरता धीरा, रामपी ली रविदास गुरु से झट अपना अंग चीरा। अभी रख दे रवि, अभी रख दे, पूछ कर
जाते हैं यार। इतने वचन सुने ब्राह्मण ने जिया न धरता धीरा, रम पी ली रविदास गुरु से झट अपना अंग चीरा। पल में भर के जब दिखलाया तार तांत का पाया, तेज गुरु को जात कमार लगाया, तेज गुरु को जात कमार पर चढ़ क्यों आया, तेज गुरु को जस संभार दास बहादुर कहते हार जीत महाराज करे, अपने तन में दांत देख के जीव ब्राह्मण के मान मरे। अरे नंदवा दास बहादुर कहते हार जीत महाराज करे, अपने तन में दांत देख के जीव ब्राह्मण के मान मरे। कह बिकवा तुम तार के दर दो तन पे क्यों चाम लगाया, तेज गुरु को जात कमार बताया, तेज गुरु को जात कमार बताया। सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय।